गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी वीएस मैम और हम पढ़ रहे हैं यूनिट 6 ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़, जिसमें हमने अभी तक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस पढ़े थे और इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। क्या मेजर्स लेते हैं हम, किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम कैसे उसका किस तरीके से हम अप्रोच करें ताकि वो भी सस्टेनेबल रहे, वो भी सूटेबल रहे सर्वाइवल के लिए। हमने देखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, उनकी पॉपुलेशन होती तो लेस है मगर वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा होता है क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, उनके अंदर हर एक टाइप की फैसिलिटी है, हर एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो हमेशा लग्जरियस लाइफ की तरफ जीते हैं, हर चीज़ में डेवलपमेंट देखते हैं। तो जब भी वो डेवलप कर रहे होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमारे एटमोसफियर में ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस एडप्ट हो जाते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग वाले होते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें, तो वो एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री से कम ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है। डेवलप्ड कंट्री पॉपुलेशन लेस होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो हायर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन या और भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं ईयर में। ठीक है, अब इस टेबल में देखेंगे कि शेयर ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ओल्ड वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है मेजर कंट्रीज़ की, हम देखेंगे तो देख लें किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। आप कंट्रीज देखें, सबसे पहले हम यूएस देखेंगे, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो 17.24 है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से 4.51 ही उसकी पॉपुलेशन है। ठीक है ना, तो फिर भी उसका शेयर देखो कितना ज़्यादा है। चाइना देखो, चाइना को तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो, बट उसका शेयर 27.04, अच्छा खासा शेयर उसका भी है, मगर अगर हम यूएस के कंपैरिजन में देखें बहुत कम सी, जैसे शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन चाइना का है 19.51 ही वर्ल्ड के शेयर के हिसाब से है, तो फिर यूएस का तो 4.51 ही है। तो अगर आप देखेंगे ये 4 times से भी ज़्यादा है ये उसकी जो यूएस की जो पॉपुलेशन, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो यूएस से कहीं गुना ज़्यादा है, मगर फिर भी यूएस ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, यूरोपियन यूनियन आप देख लीजिए 12.33 है इसका शेयर, और इसका वर्ल्ड शेयर हिसाब से पॉपुलेशन का 7.33 है। इंडिया आप देख लीजिए तो बहुत ही कम है इसका, इवन इंडिया जो है वो हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड का 2nd largest इसमें है पॉपुलेशन में, तो उसका जो शेयर है देखो यूएस से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जा रहा है ईयर में, और इवन चाइना से भी, हर एक कंट्री से कम जा रहा है। तो इवन इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद वो नियरेस्ट लगभग आ रहा है चाइना के, बट फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है क्योंकि डेवलपमेंटल वर्क और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंडिया में एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेट से काफ़ी कम है। तो अगर हम देखेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो आजकल का जो बिगेस्ट चैलेंज है ये कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है आज का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं जिनका पॉपुलेशन लगभग 15% जो है, वो लगभग 65% ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट करते हैं हवा में। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो जिनकी पॉपुलेशन लगभग 15% ही है मगर वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, 65% ग्रीन हाउस गैसेस वो कंट्रीब्यूट करती है हवा में। ये क्यों होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं या इंसान का जो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का जो भी तरीका होता है
वो इतना ज़्यादा इन डेवलप्ड कंट्री में इतना एडवांस्ड है, वो हर एक चीज़ इतना लग्जरियस चीज़ तरीके से जीते हैं। वो उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत होती है, उनका जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल जो उन लोगों का हो रहा होता है उसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं। अच्छा लाइफ स्टाइल है तो अच्छा लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि हर चीज़ उनके पास रेडीमेड ही रहती है। कुछ चीज़ों को बनाने के लिए तो मशीन्स का रन करना ज़रूरी है। मशीन किससे चलेगी? किसी न किसी फॉसिल फ्यूल, मतलब कहीं ना कहीं से। जैसे आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्री में एसीज़ हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई मशीन से काम किया जाता है। तो मशीन को चलना होता है, वो मशीन किसी न किसी चीज़ से चलती है, किसी न किसी फ्यूल से चलती है। वो आगे जाके इमिट करता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई ना कोई ग्रीन हाउस गैस वो लिबरेट करता है हवा में। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि मेजर्स तो वही हैं कि किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। हमें ये तो पता लग गया कि ये कंट्री इतना देती है, इवन पॉपुलेशन कम है, बट फिर भी उनका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है। बट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एफर्ट्स स्टेप्स उठाए गए हैं या उठाने भी चाहिए, तो ताकि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है कंट्रोल हो सके। अब जो कुछ अप्रोच्स हैं जिससे हम टू कम्बेट क्लाइमेट चेंज जो हम कर सकते हैं, वो क्या स्टेप्स हैं, वो क्या अप्रोच्स हैं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकते हैं। सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों का काटना हैवजर्ड तरीके से या अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करना, वो हो गया डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन हो गया ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, स्लोइंग डाउन डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को कम काटो और जब काट भी रहे हो तो नए प्लांट्स लगाओ। उससे क्या होगा, जो पेड़ कट रहा है उसकी जगह कुछ नया भी तो लगेगा, फिर उसको टाइम लगेगा बढ़ने में। फिर उसके बाद काटो, बहुत कम काटो प्लांट्स, उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में उसको कोई ना कोई एब्जॉर्ब करने के लिए तो बचा रहेगा ना पीछे। नहीं तो हम सिर्फ काटते जाएंगे काटते जाएंगे, पेड़ काटते जाएंगे तो फिर पीछे से उस कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होगा उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा। इसलिए हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा टीवी में प्रोग्राम्स होते हैं पेड़ लगाओ, कहीं पे भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें पेड़ लगाने के लिए अवेयरनेस करते हैं लोगों में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो ये सारा प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, ब्रीथ कर ले। ठीक है, एक ये तरीका है। इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है उसको हम रोक सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग भी रुक जाएगी। ठीक है ना। सेकेंड है कि डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाओ जो एनर्जी एफिशिएंट हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट इंडस्ट्रीज़ में एडवांसमेंट होना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी लानी है कि वो लेस एनर्जी यूज़ करे, उसमें इतने फॉसिल फ्यूल्स ना यूज़ करना पड़े। वो अलग उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी हो इलेक्ट्रिसिटी पे चले तो, मगर फॉसिल फ्यूल या इंडस्ट्रीज इस तरीके से बनाए कि उसमें ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, कोई भी उसमें गैसेस पोल्यूटेंट निकलता है या पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, वो जब तक पूरी तरह से ट्रीट ना किया जाए उसको इमिट ना करे बाहर। तो उस तरीके से एनर्जी एफिशिएंट इंडस्ट्रीज़ जिसमें लेस एनर्जी से चलने वाली ऐसी मशीन्स यूज़ हो जो काम तो बहुत ज़्यादा दे मगर एनर्जी इतनी यूज़ ना करे, पावर सप्लाई इतना यूज़ ना करे, फॉसिल फ्यूल यूज़ ना करे, बहुत लेस एनर्जी में चलने वाला टेक्नोलॉजी वाली सिस्टम जो है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस पर देनी चाहिए। थर्ड वन है मिनिमम यूज़ ऑफ CFCs। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था CFC हमारे रेफ्रिजरेटर में ACs में एज ए कूलेंट का काम करते हैं। CFCs होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी की वजह से वो कूल जो फीलिंग होती है वो आती है। मगर इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लगभग 17% जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ही ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये हवा में लिबरेट होके हमारे एज ए ग्रीन हाउस गैस ये कंट्रीब्यूट करता है हवा में। तो ग्रीन हाउस गैस वहाँ पे बनेगा
तो वो तो ग्लोबल वार्मिंग ही करेगा। तो जितना हो सके एसी, रेफ्रिजरेटर इनका कम ही यूज़ करना चाहिए, ताकि इतना ज़्यादा लिब्रेट हवा में ना हो। जब ये हवा में ही नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की जो भी पोटेंशियल होगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। फोर्थ वन है अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। हमें ऐसे कुछ एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना है जो हार्मफुल नहीं है, जिनसे ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलती है जो कल को ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है। हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना रिड्यूस करना है। हमें किसी ऐसे की तरफ स्विच ऑन करना है, स्विच ओवर करना है जो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब जो हम बार बार निकालते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पानी से भरने वाली जो एनर्जी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना, या विंड से। ये काफ़ी क्लीन भी होती है, प्योर भी होती है, इनका कोई भी एनवायरनमेंट के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता है। जियो थर्मल एनर्जी होती है, टाइडल से निकलने वाली एनर्जी टाइडल एनर्जी होती है। तो ये सारी एनर्जीज जो होती हैं ये काफ़ी क्लीन होती हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। इनकी तरफ जाना चाहिए, ना कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल या जो भी आर्टिफिशियली जो यूज़ किए जाते हैं, कोल जला के आप करो, फॉसिल फ्यूल, ये सारी चीज़ों से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होता है इनके जलने से। इसीलिए हमेशा ऐसे यूज़ करो एनर्जी जो रिन्यूएबल हो और काफ़ी क्लीन है, जिसका ऑप्शन यही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, या विंड एनर्जी है, या जियो थर्मल एनर्जी, या टाइडल एनर्जी। यही एनर्जीज जो हैं काफ़ी आराम से यूज़ की जा सकती हैं और ये काफ़ी क्लीन भी होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या मेजर्स ले ताकि हम चेक कर सकें ग्लोबल वार्मिंग को। टू स्लो डाउन द एनहांसड ग्लोबल वार्मिंग, जिस हिसाब से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग उसको स्लो डाउन करने के लिए कुछ स्टेप्स हम लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ऊपर, उसी से रिलेटेड ये सारे स्टेप्स हैं कि हमेशा करंट रेज जो हम यूज़ कर रहे हैं CFC का, उसको कट डाउन करना है। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हमें, फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में जहाँ होती है ना, वहाँ दो दो तीन तीन AC होते हैं, हम एक AC में भी काम चला सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं। वैसे हमें देखना है, वो मेजर्स हमें करने हैं अपने लेवल पे भी, और अगर गवर्नमेंट है वो भी अपने लेवल पे, नेशन या इंटरनेशनली हर कोई अपने लेवल पे ये कर सकता है। जितना CFC और फॉसिल फ्यूल कम होगा उतना हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम होगा। ग्रीन हाउस कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसा कोई नहीं रहेगा जो कोई चीज़ एब्जॉर्ब, सन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके। सेकंड, यूज़ एनर्जी मोर एफिशिएंटली। जो भी एनर्जी हम यूज़ करें उसको बहुत एफिशिएंटली यूज़ करें, हम ऐसा यूज़ करें कि हमें लेस एनर्जी यूज़ करनी पड़े और हमारा प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी एफिशिएंटली। ऐसी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है, इस तरीके से हमें इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि वो एनर्जी को ऐसे फालतू में यूज़ ना करें। थर्ड वन है कि हमें हमेशा नई और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, टाइडल एनर्जी हो, जियो थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इनकी तरफ अपना अप्रोच करना है, ठीक है। फोर्थ है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनका प्रोडक्शन, इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन है, कोल से हमें शिफ्ट होना है नेचुरल गैस, जैसे बायोगैस है। हमारे घरों से कितना ज़्यादा वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, हम इनको कहीं डंप कर सकते हैं, ठीक है। हम कंपोजिट बना सकते हैं, वहाँ से जो गैस निकलेगा वो बायोगैस होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर किचन के लिए, लाइटनिंग के लिए। ये बायोगैस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास कोई भी कचरा है घर का, पेड़ पौधों का, हमको कहीं ना कहीं खड्डे में डंप करना है, उसको कवर करके रखना है, वो अंदर सड़ जाएगा और उसके बाद वहाँ से जो गैसेस निकलती हैं वो होता है बायोगैस। काफ़ी क्लीन होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, कुछ भी हार्म उसका नहीं होता है। सिक्स्थ वन है कि हम उसको ट्रैप एंड यूज़ मीथेन एज अ फ्यूल। जो भी मीथेन कहीं से सड़क, मतलब जैसे सड़ी हुई चीज़ें होती हैं वहाँ से मीथेन निकलता है, ठीक है। आप कहीं पे भी कोई चीज़ माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ से भी नीचे से मीथेन होता है, उसको हम ट्रैप कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। हमें अडॉप्ट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हम ऐसी एग्रीकल्चर करें
ना कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ज़मीन को यूज़ करते जाएं, या फर्टिलाइज़र हम हैफजर्डली यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, ये सारी चीज़ें हम ना करें। हम ऐसी एग्रीकल्चर करें कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद रहे और आगे जो जनरेशन है उनके लिए भी। हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, जो ज़मीन है ये बेचारी फर्टाइल रहनी चाहिए, ताकि अगर हम आज एक क्रॉप लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर वही क्रॉप फिर से लगाएंगे, तो हमारी ज़मीन के पास वो न्यूट्रिएंट कितने देर तक रहेगा? नहीं होगा ना। इसलिए अगर हमने एक साल में एक क्रॉप लगाया, नेक्स्ट ईयर हमें कोई और क्रॉप लगाना चाहिए, ताकि जो ज़मीन है उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहने, उनको बार वापस रिन्यू होने में टाइम भी मिले और वो फर्टाइल भी रहे। ठीक है, इस तरीके से हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यूज़ करनी है, ताकि जो हम भी यूज़ कर सकें और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सॉइल है वो फर्टाइल ही रहे। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टेबलाइज पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहला तो पॉपुलेशन ही है, जहाँ पॉपुलेशन है, देखो हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज़्यादा इमिट करेंगे, अगर हम कुछ और काम ना करें, बट अगर हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे उस टाइम पे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ब्रीद आउट करते हैं, बट पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है ना, तो हम अपने पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है प्लांट मोर ट्रीज। अगर प्लांट्स होंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने में मदद करते हैं। सबसे पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब करते हैं, और सबसे बड़ा और मेजर ग्रीन हाउस गैस जो एटमॉस्फेयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हम प्लांट्स को लगा सकते हैं, उसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंटली हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है स्मोक स्टेक्स में। ठीक है, उस हम इस तरीके से यूज़ करें कि कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकले। ठीक है, लास्ट वन है हमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम या फोटोसिंथेटिक एल्गी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उस क्योंकि सेम जब भी कोई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और जो हमारा ऑक्सीजन है प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए एल्गी की जहाँ पे भी ग्रोथ होगी टू सम एक्सटेंट वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकालने में मदद करेगा। तो कुछ ये छोटे मोटे चेक्स हैं, मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, खुद भी अगर देखा जाए या हमारी गवर्नमेंट है, ये जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर में जो ये भी है जो भी ग्रीन हाउस गैस है हम उसको चेक कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है कि इंटरनेशनल क्या एफर्ट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में हमें मदद देते हैं। इंटरनेशनली ऐसे कौन से एफर्ट्स उठाए गए हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, इंटरनेशनल एफर्ट्स में जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक सबसे बड़ा एफर्ट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने उठाया था, ताकि वो ग्लोबल वार्मिंग को के इशू को एड्रेस कर सके। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNFCCC बोल सकते हैं, उसमें एक्सटेंड हुआ था 1992 में। इसका कमिटमेंट ये था, ये कि स्टेट पार्टीज़ जो भी कंट्रीज़ हैं ना, इनको स्टेट पार्टीज़ बोला गया, वो रिड्यूस करे ग्रीन हाउस जो भी ग्रीन गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका एमिशन वो रिड्यूस करे। इसमें जिन भी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया वो कमिटेड हो कि वो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो कम करे, रिड्यूस करे, बेस्ड ऑन साइंटिफिक कॉन्सेंसस। जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें क्या था कि दो पार्ट्स थे, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पहले इन्होंने ये माना कि ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, दूसरा पार्ट ये था कि ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो भी इसके पीछे ज़िम्मेदार है, क्योंकि ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक जो सांस वाला नहीं, बाकी भी जो भी प्रोडक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं
जो कंट्रीज़ के दौरान हो रही है वो ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड है। वो इसमें ये दो चीज़ें हो डिस्कस की गई कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? वो है ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये अडॉप्ट किया गया था पहले क्योटो में, जो जापान में एक जगह है, 11 दिसंबर 1997 में, और इसको एंटर्ड इनटू फोर्स, फोर्स में कब आया ये? 16 फरवरी 2005 में, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्योटो है। प्रोटोकॉल का मतलब ही ये होता है कि कुछ रूल्स फॉलो करना। इस जहाँ पे भी ये पहला समिट हुआ, तो ये क्योटो में हुआ, तो वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए कंट्रीज़ के लिए कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, रिड्यूस करना है इमिशन ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि जो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको एड्रेस कर सके, ठीक है ना। लगभग 192 पार्टीज थी, पार्टीज़ इधर पे कंट्रीज़ को बोला जाएगा, ठीक है। मगर जो कैनेडा थी उसने इस प्रोटोकॉल से विड्रॉ किया बाद में, लगभग 2012 में, ठीक है। और 192 पार्टीज़ जो थी वो प्रोटोकॉल में 2020 तक ये हैं, उसमें से कैनेडा ने विड्रॉ किया। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इम्प्लीमेंट करता है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो एक UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इम्प्लीमेंट करता है, ताकि रिड्यूस हो सके जो भी ग्लोबल वार्मिंग है उसमें रिड्यूस हो, उसमें बाय रिड्यूसिंग क्या? ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन जितना कम हो जाएगी उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी एटमॉस्फेयर में। उस लेवल तक इसको रिड्यूस करना है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में एंथ्रोपोजेनिक जो भी इंटरफेरेंस है, एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस मतलब कि जो ह्यूमन मेड इंटरफेरेंस एनवायरनमेंट के साथ जो हो रही है, हम जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं उसमें, एंथ्रोपोजेनिक होता है मैन मेड, आर्टिफिशियली या मैन मेड बोलते हैं, इसके ज़रिए जो एनवायरनमेंट में या क्लाइमेट के साथ, क्लाइमेटिक सिस्टम के साथ जो इंटरफेरेंस हो रही है वो कम हो, तो क्योटो प्रोटोकॉल यही इम्प्लीमेंट करता है कि इसी से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल ये देखता है कि ये जो इंटरफेरेंस हो रही है कि ये क्या है, उसको चेक करता है, जो भी ग्रीन हाउस गैस मैन मेड है उसको चेक करता है ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है। ये लगभग 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो एनेक्शर 1 में लिस्ट किए गए हैं उनके ऊपर ज़्यादा ये फोकस करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs, परफ्लोरोकार्बन्स, PFCs एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SFX, इनके ऊपर ये ज़्यादा फॉलो कर, इनके ऊपर ही ज़्यादा इसका फोकस है, ठीक है। इस क्योटो प्रोटोकॉल में बेस्ड है ये उस प्रिंसिपल पे, इसका कॉमन प्रिंसिपल है, मगर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कंट्री की अपनी अपनी एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर प्रिंसिपल एक ही है, हमारा गोल एक ही है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये एक्नॉलेज करता है कि हर एक इंडिविजुअल कंट्री के पास अपनी एक डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है क्लाइमेट चेंज में, जो अपना वो योगदान दे सके क्लाइमेट को बचाने के लिए, अलग अलग कंट्री का एक अलग अलग एबिलिटी होती है, क्योंकि हर एक की अपनी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, हर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम नहीं है। तो इस तरीके से हर कंट्री की क्लाइमेट को में जो चेंज हो रही है उसको किस तरीके से वो उसकी क्या कैपेबिलिटी है उसको बचा के रखना, हर एक कंट्री की डिफरेंट है। देयरफॉर ये प्लेस द ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस द करंट इमिशन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल का क्या है कि ये एक ऑब्लिगेशन डालता है कि जो भी करंट इमिशन हो रहा है ये ग्रीन हाउस गैसेस का, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखना है कि सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल जो करंट ग्रीन ये हमारा जो एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, क्योंकि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा इमिशन कर दिया, और अगर रिड्यूस किसी को करना है तो वो उनको ही करना है,
डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हम फोर्सफुली ये तो नहीं बता सकते कि आप अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसेज निकल रहे हैं, बट वो तो अभी डेवलप ही नहीं हुए, बट डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप हो चुकी है, वो अपने लेवल पे अब कम कर सकती हैं क्योंकि अब ऑनस उन पे है। डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड तो अभी बेचारी डेवलप ही हो रही है, हम उनको एकदम से बोल देंगे कि ऐसे करना वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल का यही है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो ये ओनस ले, वो ये रिड्यूस करवाए करंट इमिशन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा हो रही है। हिस्टोरिकली तो वही करंट लेवल जो है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस का वही रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके ऊपर ये ओनस है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का यही मिशन है कि किस तरीके से वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू कम करवाए, और सबसे मेन फोकस इन्हीं 5 ग्रीन हाउस गैसेस के को कम कराना है, उसका यही ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर फोकस है। और सबसे पहले जापान में ये एग्रीमेंट, ये एक टाइप का कॉन्फ्रेंस हुई थी जो वहाँ पे बना गया था, तो इसलिए इसको क्योटो बोला जाता है, जो जापान में हुआ था। जून 2012 रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 20 ईयर्स आफ्टर द अर्थ समिट जो हुआ था उसके बाद, 20 ईयर्स आफ्टर द अर्थ समिट, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है, काफ़ी क्लाइमेट चेंज में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अटेंशन दिया इसके ऊपर, उसको क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आया। तो रियो डी जेनेरियो जो है एक जगह है, उसने होस्ट की 5th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको बहुत सारे गवर्नमेंट लीडर्स और सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स ने अटेंड किया था। दिसंबर 2015 में 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम COP21 बोलते हैं, टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ, जो पेरिस में हुई है, मतलब फ्रांस में। दो इवेंट जो है यहाँ पे गैदरिंग हुई बहुत सारे लीडर्स की, और क्या था कि एक टास्क था कि हमें एक न्यू इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट के ऊपर पहुँचना है, अपना मत उसके ऊपर देना है, और सारी कंट्रीज़ को बाइंड करना है इस मत के ऊपर कि हमारा क्लाइमेट ख़राब हो रहा है, हमें इसको किस तरीके से ठीक करना है, उसके ऊपर एग्रीमेंट बना। कोप जो एक जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, जिसको हम कोप बोलेंगे, हर साल है होती है ये, मगर 21st सेशन जो हुआ था इसका वो यही था कि क्योटो प्रोटोकॉल में थोड़ा अमेंडमेंट हो। बाद में उसको एडॉप्ट किया गया 1997 में एट द COP3, ठीक है, और एक्सटेंड एसेंशली अनचेंज्ड इन दोहा इन 2012 विच व्हेन नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड। बाद में इसमें कोई एग्रीमेंट पहुंच ही नहीं पाया कि कैसे होगा, बट इंटरनेशनली काफ़ी एफर्ट्स हुए कि कैसे क्लाइमेट को चेंज करें, अभी भी हो रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट में जो ये सडन चेंजेस आ रही हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस में क्लाइमेटिक सिस्टम चेंज हो रहा है, और जो ग्रीन हाउस गैस जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, वो कैसे ख़त्म हो, वो किस तरीके से रिड्यूस हो, उसके ऊपर एफर्ट्स अभी भी चल रहे हैं। इंटरनेशनली ये एफ़र्ट्स चलेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट या एयर ये सब एक का ही तो नहीं है कंट्री का, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर एक जगह एनवायरनमेंट ख़राब होगा तो वो धीरे धीरे दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता ही जाएगा। तो रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से गैदरिंग हुई, जो भी वहाँ पे कोप की जो पार्टीज़ थी उन्होंने अपना अमेंडमेंट दिखाया क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, या जो भी क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी चीज़ें जो भी एग्रीमेंट हुए उससे रिलेटेड, ये कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स थे जो इन चीज़ों से रिलेटेड लिए गए हैं।